इंदौर शहर में मध्य प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन की एजीएम बैठक में आज नए अध्यक्ष का चुनाव किया गया। नवगठित कार्यकारिणी ने स्कूलों में खेलों को बढ़ावा देने और एनआईएस कोच से बच्चों को प्रशिक्षित कराने की बात कही है। हैंडबॉल एसोसिएशन की एजीएम में नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई है, जिसमें इंदौर के पूर्व पार्षद टीनू जैन को अध्यक्ष बनाया गया है। नवनिर्वाचित सचिव हरदीप सिंह ने बताया कि जल्द ही नई कार्यकारिणी खेलों के लिए पॉजिटिव कदम उठाएगी और सरकार से मिलने वाले खेलों की सुविधाओं को शहर के खिलाड़ियों को दिलाने के प्रयास करेगी। मध्य प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन की एजीएम थी आज, और इसमें इंदौर के मध्य प्रदेश के पूर्व खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया था। जो पुराने खिलाड़ी यहाँ पर वो भी उपस्थित हुए हैं, जिन्हें कभी भी काफ़ी सालों से वो लुप्त हो गए थे, उनको पूछा परखा नहीं जा रहा था, हमने उनको भी आमंत्रित किया और सभी पुराने नए जूनियर सीनियर सभी को जोड़ने की कोशिश की है। और आपने देखा है कि विक्रम अवार्डी और नेशनल खेले हुए खिलाड़ी यहाँ मौजूद रहे, और हमारा प्रयास यह रहेगा कि आने वाले टाइम में अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में एक बहुत बड़ी नेशनल लेवल की प्रतियोगिता इंदौर में आयोजित की जाए और स्कूल कॉलेजेस में गेम को डेवलप करने की कोशिश की जाए और कोचिंग कैंप्स लगाए जाएं, एनआईएस के कोचेस बुलाए जाएं, खेल विभाग से जो सुविधाएं मिलती है वो प्रॉपर खिलाड़ियों तक पहुंचे और उसका लाभ खिलाड़ियों को मिले, हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी। मेरा नाम डॉक्टर हरदीप सिंह रूपल, सेक्रेटरी मध्य प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब से मैं पिछले 5-6 वर्षों से देख रहा हूँ, कई जगह नए बड़े बड़े स्टेडियम बने हैं, अन्य अन्य खेलों के लिए भी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, तो लगातार खेल के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। अब जो पैरा ओलंपिक गेम्स हुए, ओलंपिक गेम्स हुए, उसमें देखिए आप किस तरह से भारत के खिलाड़ियों ने अपने परचम लहराए। जो नेशनल गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, वहाँ भी हमारे देश के खिलाड़ियों ने परचम लहराया है। रही बात नशे की, तो उस और भी हम ध्यान देंगे कि बच्चा जो युवा है वो खेल गतिविधियों में सम्मिलित हो, बजाय इस और जाने के। तो ऐसे क्षेत्र में भी हम काम करने का पूरा प्रयास करेंगे कि नए लोगों को खेल से जुड़ने का प्रयास।